यहाँ पे टूबे स्विच लाए हैं, ठीक है, यहाँ टूबे स्विच लाए हैं और ये टूबे स्विच लाए हैं, देख रहे हैं ना। सबसे पहले देखिए सप्लाई कैसे कनेक्शन करना है। सबसे पहले जो मोटर का था उसी का है, तो ये मोटर का करंट आ गया इसमें। तो हमने यहाँ स्विच चालू कर दिया और मोटर का आवाज जैसे आप सुन पा रहे हैं, ये हमारा यहाँ मोटर रखा हुआ, मोटर चल रहा है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा एक पंप लगा हुआ है, टुल्लू पंप लगा हुआ है। यहाँ का ग्राहक का कहना है कि इस पंप को दो जगह से ऑपरेट करना है, यानी नीचे से भी चालू कर सके और ऊपर से भी चालू कर सके। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा एक पंप लगा हुआ है, ये पंप है और इसको हमको दो जगह से ऑन ऑफ करना है। तो अभी सिर्फ एक जगह से ही चलता है, मतलब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से चालू कर दिए तो हमारा यहाँ ये चलना स्टार्ट हो गया है, आवाज़ कर रहा है। ग्राहक का ये कहना है कि इसी पंप को दो जगह से ऑपरेट करना है, मतलब कि ये यहाँ से भी चले और ऊपर भी एक फ्लोर है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, हमारा यहाँ से भी मतलब कि सीढ़ी के पास से भी ये चालू हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ से भी ग्राहक ने बोल रखा है कि हमारा यहाँ से चले, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार कनेक्शन करेंगे उसका पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसके लिए हम सामान क्या लाए हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे टूबे स्विच लाए हैं, ठीक है, यहाँ टूबे स्विच लाए हैं और ये टूबे स्विच लाए हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक दो तीन और एक दो तीन, ठीक है, टूबे स्विच, दो टूबे स्विच लगेगा। और हम लोग यहाँ पे जो वायर लाए हैं पंप को चलाने के लिए, लगभग 1.5 mm का बाटा जी का केबल लाए हुए हैं, देख रहे हैं ना, 1.5 mm² का केबल लाए हुए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, तार को हम लोग यहाँ से इस तरह से दौड़ा लेते हैं नीचे तक, ठीक है, ये वाला केबल करो। यहाँ पर दोस्तों हम लोग वायर को क्या कर रहे हैं, इस तरह से ले लिए हैं, मतलब यहाँ से वायर, तीन वायर है हमारे पास, ठीक है। इसको देखिए हमको टूबे कैसे बनाना है, न्यूट्रल और फेस इसमें सप्लाई दे देंगे और ये हमारा बीच का हो जाएगा, जो ये पंप का न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे गया है वहाँ पे, वहाँ से जाने के बाद उधर गया है। ग्राहक का कहना है कि इस जो पंप लग रहा है इसमें एक मीटर भी लगाना है, तो हम लोग मीटर ले आए हुए हैं, बेल्लो कंपनी का मीटर है, ठीक है, जिसको हम लोग सब मीटर बोलते हैं या किरायेदार के कमरों में जो लगता है वही मीटर है, इसको हम लोग लाए। मीटर भी आपको लगाना बता देंगे, ठीक है, इस किस पर हम लोग इसमें मीटर लगाएंगे। तो चलते हैं हम लोग उसका पीछे की तरफ से, इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ हम लोग इस तरह से वायर को ले जा रहे हैं, ऐसे वायर को उधर से इधर वायर लाए हैं और यही वायर को इस तरह लेते हुए हम लोग नीचे की तरफ, देखिए वहाँ देखिए लटक रहा है, काफ़ी सारा नीचे वायर लटक रहा है, यहाँ देखिए ना, ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग ले जाते हैं नीचे। हम लोग यहाँ पे जो वायर था, हम लोग वायर को यहाँ तक ला दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे वायर ला दिए हैं। अब यहाँ पे हमको एक मीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस बोर्ड को हम लोग एक बार ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो बोर्ड है इसको क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे वो हटा लेते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको हटा लिए हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ देख रहे हैं ना, मोटा तार है न्यूट्रल और मोटा तार है फेस, ठीक है। न्यूट्रल फेस सप्लाई हमारा पहले यहाँ जाएगा मीटर के पास। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक बार देख लेना है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा दो तार अंदर गया हुआ है पंप के लिए, आपको दिख रहा है यहाँ, देख रहे हैं ना, नीला दो तार गया हुआ है। तो हमारा यहाँ पंप के लिए गया है, एक तार ये गया हुआ है और एक तार हमारा ये गया, दो तार अंदर अंदर ऐसे जाके, ठीक है, वहाँ पे पंप लगा हुआ है तो वहाँ पंप के लिए गया हुआ है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जो दो पंप का तार गया हुआ है, एक नीला ये है हमारा, ठीक है, एक नीला ये है और एक नीला ये है, ठीक है, दो नीला आपको दिख रहा है, ये पंप के लिए गया हुआ है। दोस्तों हमारा यहाँ पर जो काम था, जैसे कि हमने यहाँ मीटर लगा दिया है और हम लोग यहाँ पर टूबे स्विच लगा दिए हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ टूबे स्विच लगा दिए हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले ये हमारा देख रहे हैं ना, ये हमारा न्यूट्रल फेस, एक बार यहाँ पर आप डायग्राम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। सबसे पहले देखिए सप्लाई कैसे कनेक्शन करना है। सबसे पहले आप समझिएगा, हमने फेस और न्यूट्रल को कहाँ ले जाएंगे, मीटर में ले जाएंगे, फिर वही फेस न्यूट्रल को हम लोग मीटर से बाहर निकाल के कहाँ ले जाएंगे, ये हमारा टूबे स्विच है, ये नीचे का स्विच है, ये ऊपर का स्विच है, मतलब नीचे का स्विच जैसे कि हमारा ये यहाँ पर स्विच है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो तीन टर्मिनल, एक दो तीन, तो यहाँ पर भी हमारा एक दो तीन टर्मिनल बना है, ऊपर के भी तीन बने हुए हैं, ठीक है। तो मतलब सप्लाई ऊपर गई, मीटर में गई, मीटर सप्लाई निकल कहाँ पे गई, यहाँ पे सप्लाई गई, यहाँ पे गई, ठीक है, फेस न्यूट्रल,
और हमारे पास यहाँ पे ये है पानी का मोटर, ठीक है। पानी के मोटर से दो तार निकलेगा, जो एक तार बीच वाले स्विच में जाएगा यानी यहाँ पे जाएगा, दूसरा तार दूसरे ऊपर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कनेक्शन कैसे करना है, एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। इसको हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मीटर में ले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल फेस सप्लाई जोड़ दिए हैं, यानी लाल वाला फेस में जोड़ दिए हैं और काला वाला हमने न्यूट्रल में जोड़ दिया है। अब इसको हम लोग कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ रुको। तो हम लोग यहाँ पे, अब ये हमारा पावर सप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग निकाल लिए हैं, यहाँ से हम लोग निकाले हुए हैं और इसे मीटर में लगा देते हैं। तो चलिए मीटर में फेस कहाँ जुड़ेगा और न्यूट्रल कहाँ जुड़ेगा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, यहाँ ये हमारा फेस हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो हमारा जो ब्लैक वाला है फेस है वो न्यूट्रल है और रेड वाला न्यूट्रल, इसमें लगा देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ सप्लाई को जोड़ दिया है, ठीक है, न्यूट्रल फेस सप्लाई को देखिए हम लोग जोड़ दिए हैं। तो अब हमारा यहाँ से सप्लाई वाला काम हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये काम हमारा कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मीटर से बाहर ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे। तो दो तार ले आएंगे मीटर से निकाल के स्विच में जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ यहाँ और यहाँ पे। चलिए उसको करते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये सप्लाई वाला तार को अंदर इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऊपर से आया हुआ है, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला हमारा ऊपर से आया हुआ है और ये हमारा आउटपुट का तार है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट तार को हम लोग यहाँ पर इस तरह ले लेते हैं, ठीक है, ले लिए हैं। ये हमारा आउटपुट तार हो गया। तो अब कनेक्शन कैसे करना है, ये हमारा मोटर का हो गया, न्यूट्रल और फेस, ठीक है, जो पंप है उसका हो गया है, ये हमारा ऊपर से आया हुआ है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, जोड़ना है और एक तार यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा, ठीक, हम लोग यहाँ कर लिए। उसके बाद ये हो गया हमारा इस तरीके से। चलिए अब इसमें से हमारा बचता है, तो ये हमारा ऊपर का जो तार है आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर जो गया हुआ है। देखिए जैसे कि न्यूट्रल फेस इस स्विच को भी चाहिए और न्यूट्रल फेस इसको भी चाहिए, ठीक है, इनको भी चाहिए न्यूट्रल फेस, इनको भी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको तो हम लोग यहाँ से दे दिए हैं, ठीक है, इनको हम लोग यहाँ से सप्लाई निकल के आया हमारा, यहाँ सप्लाई निकल के इनको दे दिए हैं। अब ऊपर वाले को भी देना है, तो लाल वाला तार हम लोग लाल में जोड़ देंगे, ठीक है, और काला वाला तार हम लोग काले में जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ सप्लाई जोड़ दिया है, मतलब न्यूट्रल फेस यहाँ यहाँ दे दिए हैं और वही से न्यूट्रल फेस हमारा ऊपर चला गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा बचता है पंप का तार, ठीक है। तो देखिए ये वाला, मतलब इसकी सप्लाई दे दिए हैं और ऊपर इसकी भी सप्लाई दे दिए हैं, दो तार बचा हुआ है, मतलब एक तार ये है मोटर, पानी का मोटर है, तो एक तार ये है हमारा और एक तार ये है। तो इसमें से एक तार हमारा ये एक तार है, कोई भी एक तार को हमको कहाँ लगाना है, दिख रहे हैं ना, कोई भी एक तार को मोटर, कोई भी एक तार पंप को बीच में लगाना है। तो चलते हैं हम लोग क्या कर देते हैं, बीच में लगा देते हैं, ठीक, यहाँ पे हम लोग मोटर का एक तार को हम लोग इस तरह से बीच में लगा दिए। तो एक तार हमने यहाँ लगा दिया है, जो ग्रीन वाला तार है मोटर में, इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो तार है इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, ये हमने ग्रीन तार जोड़, ग्रीन वाले में लोग अर्थिंग का तार बोलते हैं, लेकिन हमने इसको इस तरह से जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद जो हमारा कनेक्शन था यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिए, हमारा इसमें सप्लाई ऊपर चला जाएगा, सप्लाई तीन तार है। उसके बाद यहाँ पर बार दिखा देते हैं, मतलब हमारा न्यूट्रल फेस, इस फेस इसमें आ गया, न्यूट्रल इसमें आ गया, वही फेस यहाँ आ गया, न्यूट्रल इसमें आ गया, ठीक है। मोटर वाला भी हम लोग एक तार यहाँ जोड़ दिए हैं और ग्रीन वाला तार ही यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन तार है, ये मोटर वाला तार ग्रीन में जोड़ दिए हैं। चलते हैं हम लोग ऊपर और उसको भी हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो काम था, हमारा यहाँ जो कनेक्शन था बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस तरह हम इसको बंद कर दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो गया काम, चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, ये जो दूसरा वाला कनेक्ट है स्विच, उसका लगाते हैं, ठीक है, चलते हैं ऊपर चलते हैं, आइए। तो यहाँ अंधेरा है, अभी लाइट कट गई है किसी कारण से, तो अभी लाइट आ जाएगी कुछ देर में। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये हमारा तीन तार है,
तीन तार है, तो स्विच के ऊपर नीचे में ये लगा देंगे, बीच वाले में ये लगा देंगे, ठीक है। दोस्तों हमारा यहाँ कनेक्शन रेडी हो गया, जैसे हमारा ये न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेस हो गया, और ये हमारा जो ग्रीन वाला है वहाँ पे हमने जोड़ा था, ग्रीन वाला जो मोटर का था उसी का है, तो ये मोटर का करंट आ गया इसमें। तो यहाँ पे ऊपर का स्विच है, ठीक है, ये हमारा जो हाथ अंगूठा दिख रहा है ये ऊपर का स्विच, हमने तीनों तार को जोड़ दिया न्यूट्रल फेस, और यहाँ पर पानी का जो मोटर लिखा हुआ वो हमने जोड़ दिया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बंद कर देते हैं और चालू करके चेक करके आपको हम लोग दिखाते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पर लाइट, जो हमारी लाइट आ गई है, जैसे कि हमने सप्लाई को ऑन कर दिया है, तो हमारा यहाँ पर मीटर चालू हो गया है, और जो मोटर रखा हुआ है इसके अंदर है, ठीक है, यहाँ पर मोटर लगा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर स्विच चालू करते हैं, स्विच चालू कर, तो हमने यहाँ स्विच चालू कर दिया, और मोटर का आवाज़ जैसे आप सुन पा रहे हैं, ये हमारा यहाँ मोटर रखा हुआ है, मोटर चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग ऊपर से भी एक बार बंद करके दिखाते हैं, जाओ ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए चल रहा है, और ऊपर से हम लोग बंद करते हैं, तो ये जो साथ में काम करते हैं वो जा रहे हैं ऊपर, जैसे ही मोटर बंद होगा वैसे हमारा मोटर का आवाज़ बंद हो जाएगा। बंद करो, देखिए बंद हो गया, चालू करो, ये चालू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से भी हम लोग बंद कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से देखिए बंद कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया, तो ठीक है, यहाँ से बंद कर दिया है। चलते हैं ऊपर से हम लोग चालू करते हैं, तो ऊपर से भी हम लोग यहाँ चालू कर देते हैं, चालू करो, यहाँ हम लोग चालू कर दिए, ठीक है, चालू कर दिए, तो हमारा जो कनेक्शन था बिल्कुल ओके है। ये दोस्तों आपको जो वीडियो मैं दे रहा हूँ, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।